दोस्तों, प्लूटो ग्रह को बार बार प्लैनेट की लिस्ट से क्यों निकाल दिया जाता है? फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग को लाल और हरा रंग नहीं दिखाई देता। सूरजमुखी का फूल एकमात्र ऐसा फूल है जो रेडिएशन को खत्म कर देता है। दोस्तों, हम एरोप्लेन में पानी नहीं ले जा सकते, लेकिन डेड बॉडी ले जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम ऐसे ही फैक्ट्स के बारे में आज बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लव संत और आप देख रहे हैं लव मोनिटर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर एक, तो दोस्तों आप तो जानते ही होंगे कि प्लूटो ग्रह एकमात्र एक ऐसा ग्रह है जिसे बार बार प्लेनेट की लिस्ट से अंदर बाहर किया जाता है, और वो भी इसके अलग अलग फैक्ट्स के कारण। फिलहाल तो प्लूटो ग्रह की सूची से बाहर चल रहा है, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं प्लूटो का नाम प्लूटो किसने रखा था? वेनेटिया कोथरीन नाम की एक लड़की ने पहली बार प्लूटो को प्लूटो कहकर पुकारा था, और साइंटिस्ट को उसका यह कहकर पुकारना इतना अच्छा लगा कि उन्होंने प्लूटो का नाम प्लूटो ही रख दिया। दरअसल प्लूटो के दो शुरुआती अक्षर मतलब कि पी और एल उसके प्रथम खोजकर्ता पर्सिवल लोवेल के नाम से मेल खाते हैं। फैक्ट नंबर दो, दोस्तों आज हम एक ऐसे दौर में हैं जहां पर किसी का बैंक अकाउंट हो या ना हो, लेकिन फेसबुक अकाउंट जरूर है। आपका भी होगा और मेरा भी है, लेकिन हम फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग के बारे में हम क्या जानते हैं? क्या आपको ये पता है कि मार्क जकरबर्ग कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित है? नहीं पता तो दोस्तों मैं बताता हूँ। ये एक तरह की बीमारी है जिसमें इंसानों को कलर साफ नज़र नहीं आते। जैसे किसी को गहरा नीला रंग काला लगने लगता है और पीला रंग सफ़ेद, इसी तरह मार्क जकरबर्ग भी कलर ब्लाइंडनेस है। हालांकि मार्क जकरबर्ग रेड और ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस बीमारी से पीड़ित हैं। तो क्या आप ये जानते थे? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर तीन, सूरजमुखी एक ऐसा फूल है जो खूबसूरत होने के साथ साथ काफी ज्यादा चमत्कारी भी है। सूरज की तरफ सूरजमुखी का घूमना हर किसी को हैरान कर देता है, लेकिन क्या आप जानते हैं सूरजमुखी का पौधा जमीन से रेडिएशन भी कम कर देता है। सूरजमुखी का पौधा जमीन में प्रदूषण करने वाले फैक्टर्स को भी काफी हद तक ऑब्जर्व कर लेता है, जिसमें रेडिएशन भी शामिल है। अमेरिका में कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा यह सलाह दी जाती है कि पहले सूरजमुखी के पौधे अपने खेतों में कुछ महीने लगाएं, और उसके बाद आपकी आत्मा खेती करने के लिए तैयार है। आपको यह फैक्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फैक्ट नंबर चार, दोस्तों हम में से 90% से ज़्यादा लोग गौतम बुद्ध को बुद्ध के नाम से जानते हैं, लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि बुद्ध एक स्पेसिफिक नाम नहीं, एक सरनेम है। संस्कृत भाषा के अनुसार बुद्ध एक ऐसे आदमी को कहा जाता है जो कि जाग चुका हो या जिसने अपनी आंतरिक बुराइयों पर जीत हासिल कर चुका हो, और बुद्ध ऐसा कर चुके थे इसीलिए उन्हें बुद्ध कहा जाता है। इससे पहले उनका नाम सिद्धार्थ गौतम था, और दोस्तों जो सिद्धार्थ गौतम है ना, जो सिद्धार्थ के नाम के पीछे जो गौतम लगा है वो एक सरनेम है, और ज्ञान की प्राप्ति के बाद लोगों ने उन्हें गौतम बुद्ध कहना शुरू कर दिया और उनका नाम गौतम बुद्ध पड़ गया। और इसमें फैक्ट यह है कि उनका नाम दो दो सरनेम जोड़कर बना है, यानी कि उनके नाम में एक भी नाम नहीं है। तो दोस्तों आपको ये फैक्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नंबर पाँच, दोस्तों आइसलैंड यह नाम विकिंग एरा के दौरान रखा गया था। उस समय विकिंग के बहुत सारे शत्रु थे, इसलिए अपने दुश्मनों को चकमा देने के लिए, पता है यहाँ पर ज़्यादा ठंड नहीं है, इसके बावजूद भी उन्होंने इसका नाम आइसलैंड रख दिया। और जिस आइलैंड पर सबसे ज़्यादा बर्फ है उस आइलैंड का नाम उन्होंने ग्रीनलैंड रख दिया। दिमाग शातिर दिमाग था। बाद में आइसलैंड का नाम बदलकर थुल्ले रखा गया। कैसा अजीब नाम है, थुल्ले रखा गया। लेकिन लोगों के बीच ये तब भी आइसलैंड के नाम से ही फेमस रहा। और एक बात यह भी कि आइसलैंड में सिर्फ थोड़ी सी ही बर्फ़ पाई जाती है, यानी कि कुछ कुछ हिस्सों में, वो भी थोड़ी थोड़ी, और वो भी ये बर्फ़ सर्दियों में है, ना कमाल की बात। फैक्ट नंबर छः, दोस्तों स्पिनर के जादूगर कहे जाने वाले क्रिकेटर शेन वॉर्न टेस्ट क्रिकेट में क्रिकेट इतिहास के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज हैं। लेकिन अगर बात की जाए ODI की, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा कि श्रीलंका के ओपनर बल्लेबाज सनत जयसूर्या ने उनसे ज़्यादा विकेट लिए हैं। शेन वॉर्न के नाम पर कुल 293 विकेट हैं, तो सनत जयसूर्या ने 323 विकेट लिए हैं। वैसे कहा जाए तो सनत जयसूर्या ने शेन वॉर्न से 251 ODI ज़्यादा खेले हैं, लेकिन जिसके ज़्यादा विकेट होते हैं लिस्ट में ऊपर वही रहता है ना। फैक्ट नंबर सात, कहा जाता है कि आर्माडिलोस की स्किन बुलेट प्रूफ होती है, यानी कि एक जानवर है छोटा सा जिसे हम हिंदी भाषा में वर्मी कहते हैं। वर्मी, चलिए आपको दिखा देते हैं। इसकी स्किन बुलेट प्रूफ होती है,
ऐसा हो सकता है कि शायद कुछ आर्माडिलोज की स्किन में बुलेट रेजिस्टेंस के अवशेष हों। मैंने रेजिस्टेंस इसलिए कहा क्योंकि कोई भी चीज 100% तक बुलेट प्रूफ नहीं होती। ऐसा कई बार हुआ है कि गलत निशाना लगने की वजह से ये जानवर बच गया हो और शिकारी पर ही भड़क गया हो, और इसी वजह से शिकारी को गलत फहमी हो गई होगी कि आर्माडिलोज की स्किन बुलेट प्रूफ होती है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। अगर आपको भी इसके बारे में कोई जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों हम सब ने टीवी पर बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेस और खिलाड़ियों को अलग अलग तरह के ऐड करते हुए देखा ही है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि रियल लाइफ में भी उन्हें वही प्रोडक्ट्स यूज करने होते हैं? ऐसा यूँ होता तो नहीं है, लेकिन हुआ जरूर है। फेमस फुटबॉलर रोनाल्डिनो के साथ, जी दोस्तों, इन जनाब ने कोको कोला का ऐड किया था और कोको कोला के साथ कॉन्ट्रैक्ट में थे। उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पेप्सी पी ली थी और फिर होना क्या था, रोनाल्डिनो को तुरंत ही कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया। इतनी छोटी गलती और इतनी बड़ी सजा। फैक्ट नंबर 9, हॉलीवुड के फेमस स्टार लियोनार्डो दी कैप्रियो का नाम इतिहास के सबसे फेमस आर्टिस्ट लियोनार्डो दी विंची के नाम पर रखा गया था। मोनालिसा जैसी शानदार पेंटिंग बनाने का क्रेडिट विंची को ही जाता है। हुआ यूं कि जब डी कैप्रियो का जन्म होना था और वो अपनी माँ की पेट में थे, तब उनकी माँ एक आर्ट म्यूजियम घूमने गई और वहाँ के आर्टिस्ट लियोनार्डो की फेमस पेंटिंग को निहार रही थी, तभी डी कैप्रियो ने किक मारी। ये लियोनार्डो दी कैप्री की पहली किक थी और इसी कारण उनका नाम लियोनार्डो रखा गया। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों एरोप्लेन एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमें पानी तक नहीं ले जाने दिया जाता। क्या आप जानते हैं आप प्लेन में एक डेथ बॉडी लेकर जा सकते हैं? चूंकि मत दोस्तों यह सच है, आप प्लेन में एक डेथ बॉडी लेकर जा सकते हैं और सफर भी कर सकते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कई बार कहीं और के लोगों की मौत किसी और देशों में हो जाती है, तब उन्हें उनके देश ले जाने के लिए प्लेन का भी सहारा लिया जाता है, और प्लेन में ले जाने के लिए एयरलाइन को अच्छी तरह कन्वेंस करना पड़ता है। दोस्तों क्या आपको इस फैक्ट के बारे में पता था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको फैक्ट्स और हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और घंटी बटन को जरूर दबाइएगा ताकि हम रोजाना इसी तरह आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आते रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।